कॉलेजियम सिस्टम का दुष्प्रभाव अब भुगतेंगे एससी और एसटी समाज। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित अपने ही 20 साल पुराने फैसले को पलट दिया है। बीते 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण के लिए एससी और एसटी वर्गों के अंदर सब कैटेगरी बनाई जा सकती है। क्या है इसके मायने, क्या होंगे परिणाम, क्या सही में एससी और एसटी के बीच वर्गीकरण की जरूरत थी? मैं आकृति और आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क। भारतीय संविधान में देश के शोषित और वंचित मूल निवासी बहुजन समाज को 3 कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया, जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं। क्रीमी लेयर के आधार पर ओबीसी वर्ग को 2 उप वर्गों में विभाजित किया गया, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर के अंदर ओबीसी वर्ग से आने वाले उन लोगों को रखा गया जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, लेकिन उनकी सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष है। दूसरा, जिन बच्चों के माता पिता सरकारी नौकरी में हैं और उनका पद व रैंक प्रथम श्रेणी के अधिकारी का है, उन्हें भी क्रीमी लेयर के दायरे में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के मुताबिक अब राज्य सरकारें एससी और एसटी वर्गों में भी वर्गीकरण कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान बेंच ने बहुमत से फैसला दिया है कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों में वो सब कैटेगरी बना सकती है जिनको ज्यादा आरक्षण का फायदा मिलेगा। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा हैं। 7 में से 4 जजों ने कहा कि क्रीमी लेयर की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके तहत आरक्षण का फायदा पा चुके लोगों को इससे बाहर कर वंचितों को मौका दिया जाना चाहिए। इस फैसले से देश में बवाल मचा हुआ है, लोग जमकर इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व के नियम देश के सुप्रीम कोर्ट में कभी नहीं दिखे। कॉलेजियम सिस्टम से सिर्फ गिने चुने परिवारों का ही दबदबा है, जिसका नुकसान एससी एसटी और ओबीसी समुदाय को होता है, क्योंकि इस मूल निवासी बहुजन समाज को मौका ही नहीं मिलता। जिन 7 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया, उसमें जस्टिस बी आर गवई को छोड़कर सभी उच्च जाति के जज थे, जिन्होंने शायद ही कभी शोषित और वंचितों जैसी सामाजिक पीड़ा सही होगी। इन 7 जजों में सिर्फ जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने बहुमत से अलग फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि जब जाति के आधार पर ही एससी एसटी कोटा मिलता है तो उसमें बंटवारा करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कार्यपालिका या विधायी शक्ति के अभाव में राज्य एससी एसटी के सभी लोगों के लिए आरक्षित लोगों को उपवर्गीकृत नहीं कर सकते। उपवर्गीकरण अनुच्छेद 341(2) के तहत राष्ट्रपति की अधिसूचना के साथ छेड़छाड़ के समान होगा। लेकिन यहां सवाल उठता है, जब जाति या सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण मिलता है तो क्रीमी लेयर के दायरे में रखकर आरक्षण के अधिकार से वंचित क्यों किया जा रहा है? क्या क्रीमी लेयर में आने वाले एससी और एसटी समुदाय के संबंधित लोग जाति से मुक्त हो जाएंगे, या उन्हें या उनके बच्चे को जातिगत भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट या विभिन्न सरकारें यह गारंटी लेती हैं कि जिन एससी और एसटी समुदाय के लोग जिसकी स्थिति थोड़ी बहुत अच्छी है और वे अपने बच्चों को उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ाने भेजते हैं, वहां उसे जातिगत भेदभाव का सामना करना नहीं पड़ेगा? क्या नौकरी पेशा लोगों को जातिगत भेदभाव का सामना करना नहीं पड़ता? आंकड़े बताते हैं कि देश के उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में एससी एसटी और ओबीसी वर्ग से आने वाले हजारों छात्र जातिगत भेदभाव से परेशान हैं। असल में जाति और जातिगत भेदभाव से मूल निवासी बहुजन समाज कितना पीड़ित और शोषित है, इस बात से सरकार और देश के उच्चतम न्यायालय अनजान है। सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं दिखता, जब देश के सर्वोच्च पद पर आसीन मूल निवासी बहुजन समाज से आने वाले राष्ट्रपति को यह एहसास दिलाया जाता है कि आप निम्न जाति से हैं। अनुसूचित जाति के बीच वर्गीकरण होने से आपस में ही मतभेद होंगे, एक ही समुदाय के लोग अपने ही समुदाय के लोगों को अपने से भिन्न समझेंगे और यही समस्या
एसटी समुदाय को भी झेलनी पड़ेगी। हमें अक्सर दिखता है कि ओबीसी समुदाय में एकता की कमी है। एक ओबीसी दूसरे ओबीसी को अपने से अलग समझता है। अब यही समस्या एससी और एसटी समुदाय में भी होगी। परिणाम यह होगा कि देश की लगभग 85% मूल निवासी समाज बिखरी हुई रहेगी। वे कभी एक नहीं हो पाएंगे, जिसका सीधा सीधा फायदा हर रूप में 15% आबादी को होगा। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इस फैसले से एससी या एसटी समुदाय के आने वाले उन जातियों को आरक्षण का अधिक फायदा होगा जिन्हें सही मायने में आरक्षण की जरूरत है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को एससी और एसटी आरक्षण की इतनी ही चिंता है, तो सरकार द्वारा निजीकरण कर आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट मौन क्यों रहती है? जबकि सरकार द्वारा धड़ल्ले से की जा रही निजीकरण का देश भर में भारी विरोध देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी राय क्या है, हमारे साथ शेयर जरूर करें। जागृति के इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दें। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। एमएनटी न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।